तो चलिए कंटिन्यू करते हैं गॉड ऑफ वॉर 3 रीमास्टर्ड का गेम प्ले, जो कि मैं खेल रहा हूँ PS5 पर। और जिन भी मेरे भाइयों ने इसे पहले के एपिसोड्स मिस कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सारे एपिसोड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक एक करके आराम से देख लेना। और जिन्होंने यहां तक देख लिया है उनको मैं याद दिला देता हूँ कि क्या कहानी चल रही है। तो लास्ट एपिसोड में क्रेटोस को यह पता लग गया कि पैंडोरा को ज्यूस ने किसी लैबिरिंथ के अंदर कैद करके रखा हुआ है, और फिर हेफेस्टस जिन्होंने पैंडोरा को बनाया है उन्होंने ये रिवील किया कि अगर पैंडोरा बॉक्स को पैंडोरा की मदद से खोलोगे तो पैंडोरा का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन हेफेस्टस एक बेटी की तरह मानते हैं पैंडोरा को, तो इसलिए स्टार्टिंग में वो मदद नहीं करना चाहते थे क्रेटोस की। फिर कुछ सोच के हेफेस्टस ने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम एक स्टोन लेते हो जिसका नाम है ओम्फलस स्टोन, यानी कि क्रेटोस को एक मिशन पे भेजा है कि मैं तुम्हारे लिए उस स्टोन से एक हथियार बनाऊंगा, ये सब बोला है हेफेस्टस ने। और ये ओम्फलस स्टोन मिलेगा पिट ऑफ टार्टरस में। तो जिसको नहीं पता है कि पिट ऑफ टार्टरस क्या है, तो ये वही जगह है जहाँ पे टाइटन्स को कैद करके रखा है ज्यूस ने, और ज्यूस के फादर यानी कि क्रोनोस जो कि टाइटन्स के लीडर्स थे वो भी वहीं पे है। तो ये ग्रीक मैथोलॉजी में इतना क्लियर हो गया कि भाई हर फादर अपने बेटे से डरता है कि कहीं वो मेरा थ्रोन मुझे हरा के छीन नहीं ले। ज्यूस को भी यही डर है क्रेटोस से, और क्रोनोस को भी यही डर था ज्यूस से। और जैसे ज्यूस ने हरा दिया था क्रोनोस को, वैसे ही क्रेटोस भी हराएगा, इतना तो भाई अपने को पता ही है। लेकिन ये जो अभी इतनी लंबी चौड़ी दीवार देख रहे हो, इसको पार करके अपने को जाना है पिट ऑफ टार्टरस के अंदर। ये उसका दरवाजा है एक तरह से। मैं ऊपर ही जाके अब देखता हूँ भाई इसको खोलने का तरीका। इतना मुझे समझ में आ गया है कि सबसे टॉप में जाना है, टॉप में जो चेन है ना उसको खींचने से ये दीवार हट जाएगी। लेकिन ऊपर जाए कैसे? ओहो हो, चलो ठीक है, धीरे धीरे पहुंच रहे भाई ऊपर, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। ये जो ऊपर वाला चेन है ना उसको खींचना है, वो मेन है। अच्छा कुछ और बॉक्सेस भी निकल गए, ठीक है ये बंद भी होते रहेंगे। मेन चेन के पास हम लोग पहुंच गए हैं, बस इसको हटाने से मुझे लग रहा है दीवार खुल जानी चाहिए। और फिर हम लोग पिट ऑफ टार्टरस में जाने वाले हैं ओम्फलस स्टोन की तलाश में भाई। उस स्टोन से हेफेस्टस एक वेपन बना के देंगे अपने को, तो वो चलो ठीक है, पहले ओम्फलस स्टोन तो मिल जाए, मतलब एक और नया वेपन मिलने वाला है। और ये देखो अभी तक सबको समझ में आ चुका है कि हेफेस्टस धोखा देने वाले हैं, क्योंकि जितना सोच विचार करके उन्होंने मदद करने का मतलब वादा किया है ना, उससे क्लियर है कि धोखा देने वाले हेफेस्टस। मैं धोखे के लिए भी तैयार हूँ, हो सकता है उनसे फाइट भी करनी पड़े। तो इसके अंदर भी आई थिंक एक बॉस फाइट है, बस मुझे याद नहीं आ रही किसके साथ बॉस फाइट होने वाली है, लेकिन मुझे याद है कोई तो बड़ा सा भाई मॉन्स्टर है इसके अंदर भी, इतनी आसानी से ओम्फलस स्टोन ले जाने देगा नहीं। एक और फिनिक्स फेदर और मेरा मैजिक मीटर बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, सेव कर लिया। पिट ऑफ टार्टरस, यहीं पर टाइटन्स को हराने के बाद ज्यूस ने कैद करके रखा हुआ है। ओ मुझे याद आ गया, कोई टाइटन से फाइट होगी, कौन से वाले टाइटन से मुझे याद नहीं है, नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली, पर किसी टाइटन से फाइट होगी। यहाँ पे ओम्फलस स्टोन जो लेने आया हूं ना मैं, हेफेस्टस ने शायद इसीलिए भेजा है ताकि मैं मर जाऊं यहाँ पे इस स्टोन को लेने के चक्कर में, और फिर पैंडोरा को ढूंढू नहीं, क्योंकि हेफेस्टस नहीं चाहते कि पैंडोरा का एग्जिस्टेंस खत्म हो। ये क्या है? ओहो, इसके बारे में लिखा हुआ पिट ऑफ टार्टरस के बारे में इस बुक में कि यहाँ पे ग्रेट वॉर हुआ था गॉड्स और टाइटन्स के बीच में, जिसमें जीतने के बाद ओलंपियन गॉड्स ने टाइटन्स को यहाँ पे कैद करके रखा हुआ था, मतलब उनकी पनिशमेंट थी कि तुम लोग यहीं रहो। यहीं से तो सारी कहानी शुरू हुई है, अगर इसी बैटल ग्राउंड में ज्यूस हार जाते यानी कि ओलंपियन गॉड्स लोग हार जाते तो फिर क्रेटोस का जन्म ही नहीं होता, क्योंकि ज्यूस फादर है क्रेटोस के। और मतलब बोलते नहीं कि इतिहास खुद को दोहराता है, तो सेम केस यहाँ ग्रीक गॉड्स लोग के साथ यही हुआ था, मतलब गॉड ऑफ वॉर में तो यही दिख रहा है, क्योंकि टाइटन्स की लीडर क्रोनोस को भी यही डर था कि उनके बच्चे उन्हें हरा कर उनकी गद्दी छीन लेंगे, और सेम डर ज्यूस को भी है, इसीलिए ज्यूस ने अपने बच्चे लोग को मारना शुरू कर दिया। अब ये कहानी हम लोग एकदम वन में जा रहे हैं, छोड़ो भाई उतना पीछे नहीं जाते हैं, इसी कहानी में रहते हैं फिलहाल। ऐसे अगर आप लोग गॉड ऑफ वॉर 1 और 2 की कहानी थोड़ी बहुत जाननी होगी इस टाइप की, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं बीच बीच में आप लोग को बताते रहूंगा गेम प्ले के दौरान। फिलहाल अभी जो बॉस फाइट है आई थिंक बस होने वाली, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने इसकी वीडियो देखी थी बहुत पहले। ओहो, मुझे लगा बॉस फाइट होने वाला, नहीं ये तो फुनतुरु लोग आए यार। अब मुझे लगता है ना बस 2 या 3 ही बॉस फाइट्स बच गए गेम में, एक तो चलो ज्यूस है इतना मुझे पता है, और एक बॉस फाइट यहाँ पे होने वाली है, तो आई थिंक 2 या 3 और बचे हुए जहां तक मुझे याद आ रहा है। चलो तुम लोग अभी टाटा हो गया है, आगे बढ़ा जाए, एक बच ही जाता है हमेशा पता है। कैमरा थोड़ा सामने आता ना तो और मजा आता, कैमरा कुछ ज्यादा ही पीछे जाते जा रहा है। लोकेशन अच्छी लग रही है लेकिन मारने में थोड़ा और आसानी होता अगर सामने रहता तो।
लेकिन अब इतने सारे वेपन्स आ गए भाई, इन फुंतरो लोग से क्रेटोस नहीं मरने वाला है, इसके चांसेस ना के बराबर है। हाँ भले एक दो बार मार दे मुझे, लेकिन इनसे मरने वाला तो नहीं है क्रेटोस। ये देखो वेपन्स पे वेपन्स चेंज हो रहे हैं एक साथ, ये तीनों वेपन एक साथ यूज कर रहा हूँ, क्लॉज ऑफ हेडीज, ब्लेड्स ऑफ एक्साइल और नीमियन सेसर्स, जो कि हरकुलिस कुमार के लास्ट एपिसोड में छीना था। तो जिसने भी एपिसोड्स मिस कर दिए, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ भाई, सारे एपिसोड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन एपिसोड्स को पहले देख लेना, यहाँ तक ये कहानी क्लियर हो जाएगी। बहुत ही सन्नाटा है, यानी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ओह गाया का हाथ, जो गाया का हाथ नहीं काट दिया था। ओ भाई ये गाया का हाथ ही है ना, हाँ ये गाया का हाथ है। चलो कुछ होने वाला है, क्रेटोस हाथ में क्या चेक कर रहा है, किसी की परछाई कोई है। ओहो धरती हिल रही है, कुछ होने वाला है, कोई टाइटन आने वाला है जिससे बॉस फाइट होगी। ये देखो ओहो ये गाया के हाथ जितना बड़ा हाथ, किसी अरे मुझे याद आ गया कौन सा टाइटन है। इन्हीं से फाइट होने वाली है। After you took the box from Pandora's temple, Zeus was consumed with fear. He banished me to the pits of Tartarus. I was tasked by the gods to kill Ares. You killed Ares out of your need for vengeance. But this time, retribution finally comes to me, Spartan. तो अब ये मारने की कोशिश करने वाले क्रोनोस, टाइटंस के लीडर, गाया के बेटे और ज्यूस के फादर, भाई ये तो चुटकी में दबाने वाले मेरे को। इनकी माँ गाया को भी मारा है क्रेटोस ने, ये फुल ऑन बदला लेने के मूड से आया यार, लेकिन अभी कर क्या सकते हैं। ओहो आंख में रोशनी, हिलियोस का सर। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि ये ट्रिक शायद काम आ सकती है, क्योंकि इनकी आंखें चमकने लगी थी। क्रोनोस से बॉस फाइट होगी, मुझे याद क्यों नहीं था यार, टाइटन के लीडर से बॉस फाइट होने वाली थी। तो ये क्रेटोस से सिर्फ इसलिए गुस्सा नहीं है कि गाया को मारा है, ज्यूस ने इनके ऊपर एक टेंपल बनवाया था जिसके अंदर पैंडोरा बॉक्स रखा हुआ था, और जब क्रेटोस ने पैंडोरा बॉक्स ले लिया आई थिंक पार्ट टू में, तो ज्यूस ने इनको पिट ऑफ टार्टरस में डाल दिया। मैंने नहीं किया, ज्यूस ने किया यार, ये गलत बात है, क्रेटोस की क्या गलती थी। इनके ऊपर जो चेन देख रहे हो ना, चेन से पीछे एक टेंपल लगा हुआ है, वो भी दिखेगा जब आगे जाएगा क्रेटोस। तब कहां ऑम्फुलस स्टोन लेने आए थे यार, किस चक्कर में पड़ गए। इन्हीं के पास से जहां तक मुझे याद आ रहा है ऑम्फुलस स्टोन इन्हीं के पास है। चलो देखते हैं, अभी कुछ देर में पता चलेगा। इतनी बड़ी बॉडी बना ली है, क्रेटोस पीछे ही घूम रहा है, नजर नहीं आ रहा है इनको। अच्छा इनकी बॉडी पे फुंतरू लोग भी घूम रहे हैं। जियो क्रोनोस आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ओहो भाई सॉरी, दिख गया, अब क्या करता मैं, रास्ता ही नहीं था भाई यार। इनका हाथ पूरा एक हाईवे सड़क है, लो फुंतरू लोग भी आ गए, और इतना बड़ा हाथ अगर मुझे मारा, अरे गंदी गंदी हवाएं छोड़ रहे हैं। चलो ये तो अपने फायदे में एक काम आया, फुंतरू लोग उड़ के गिर गए, कोई एस्केप नहीं है, वो हम लोग बाद में तय करेंगे। इनकी उंगलियों पे मारना है, इसीलिए उंगली यहां पे फंस गई है। चलो ठीक है, दोबारा इंतजार करना है जब इनकी उंगली फंसे अपने ही हाथ में। ये चल क्या रहा है यार, ये खुद को मरवाने का ज्यादा शौक है क्या इनको। अच्छा ओहो नेल कट रहा है, ओहो भाई डेंजर, ये फुंतरू लोग परेशान किए जा रहे हैं यार। जिस नेल पे अटैक किया उसी पे बार बार मारना है क्या, उससे कुछ हो रहा है, मुझे लग तो रहा है कि हो रहा है। अरे तुम लोग दो मिनट शांत नहीं रह सकते हो, इतना बड़ा टाइटन पीछे पड़ा हुआ है। ओ गंदी हवाएं, कितने दिन से ब्रश नहीं किया क्रोनोस ने, इनके हाथ पटकने का वेट करना होगा। पटको ये, और भाई मुझे नीचे ही फेंक देते, अभी मरा नहीं, मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। अच्छा ये भी हरकत करते, मुझे पता नहीं था। नेल्स आ गया है, लेकिन ये फुंतरू लोग ना, टाइम वेस्ट करवा दिया मेरा, अभी नेल्स में मार सकता था। ये एक एक करके सारे नेल्स तोड़ने पड़े तो भाई बहुत मेहनत का काम है, ऐसा नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, सर्कल
आखिरकार पूरा नील उखाड़ ही दिया। हद आदमी है भाई क्रेटोस, एक नील उखाड़ दिया, अब उसके बाद क्या करना है? अच्छा मेरे ऊपर हाथ पटकने वाले हैं। परछाई को देख के मुझे पता चला कि कहां नहीं जाना है। उंगली की परछाई इतनी मोटी मोटी थी ना। क्रोनोस के हेड के नजदीक तो मैं जा रहा हूं, लेकिन इस बार आंखें नहीं चमक रही है। हाँ थैंक यू तारीफ करने के लिए, आंखें चमक रही है हिलियोस की आंख, लेकिन यूज करने देंगे तब ना। गंदी गंदी हवाएं छोड़ के मुझे फेंके जा रहे दूर। ये लो, अरे सामने सामने सामने। अगर हीलियोस का सर नहीं होता मेरे पास तो अभी कैसे मारता भाई क्रोनोस को? बहुत मुश्किल होता मारना। मार तो फिर भी देता क्रेटोस। अब ये खोजते रहेंगे मुझे, तब तक मैं इनकी बॉडी पे आराम से घूमूंगा। कोई ना कोई वीक पॉइंट तो होगा, इतनी बड़ी बॉडी है यार, कोई वीक पॉइंट जरूर होगा इनका। अरे तू यहां पर भी, ये लोग पीछे पड़े हुए भाई, चैन की सांस लेने नहीं दे रहे हैं। ये बॉस फाइट कम फुंतरू फाइट ज्यादा है। क्रोनोस को पता है कि इधर ही किधर घूम रहा है। ये जो चोट लगी हुई इसमें मारना है क्या मुझे? एक और बार ऊपर चला गया, चला गया फाइनली। मुझे लग रहा था उस चोट में वापस मारना है क्या। ये क्या क्या बना के रखा है बॉडी पे? अच्छा वो जो चेन नहीं लगा हुआ है उसी का एक और हिस्सा है यहाँ पे। चलो ठीक है, अब जाने का वहीं दिख ही रहा है। भाई बॉडीगार्ड्स भी इनके बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर बॉडीगार्ड कौन रखता है? एक क्रोनोस अलग परेशान है, खोजे जा रहे मुझे। एक और आ गया, लो भाई बस इसी की कमी थी। ऐसे इन लोग को मारने में ना बहुत मजा आता है, लेकिन ये बॉस फाइट जब चलती रहती है ना तब ये लोग बस टाइम खाने के लिए आते हैं। चलो रस्ते में मिल जाए अलग बात है, लेकिन ये बॉस फाइट के टाइम में ना सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए आए। बनीन की चटनी। अब यहाँ पे क्या करना है? कुछ तो कर। अच्छा ये डोर भी है क्या इनके अंदर? ओ भाई पेट के अंदर जाने वाला है क्या मैं? कुछ तो, अच्छा नहीं, अच्छा ये चेन का वो मेडल लगा हुआ है, अच्छा इसको फोड़ सकते हैं। ये जो ब्लू क्रिस्टल है ना नीमियन सिस्टर्स से, जो कि हरकुलिस से लिया था मैंने, तो पहले इसको खोलना पड़ेगा। ये इनकी कमजोरी होती है टाइटन्स की। ये गाया के अंदर भी था है ना? बाप रे बाप, आर्मी तो बढ़ते ही जा रही है भाई फुंतरू लोग की। अरे यार मेन कमजोरी थी, उसको अगर फोड़ देते ना तो ये बहुत वीक हो जाते क्रोनोस। मैं हूं भी इसके अंदर, मुझे भी नहीं पता था किसके अंदर मैं हूं, मैंने बस बटन दबाना चालू कर दिया तब मुझे पता चला। क्रेटोस की किस्मत इनके हाथों में, सही बात है। अगर हाथ को दबा दिया भाई चटनी बन जाएगी मेरी, लेकिन क्रेटोस को मारना इतना आसान कहां, चाहे तो ज्यूस से पूछ लो। एक बार मार भी दिया था वापस से रिटर्न आ गया, क्या फायदा मारने का। हाथ पे हाथ पटक दिया, बैंड बज गई भाई, क्या हुआ क्या? अच्छा क्रेटोस हाथ को उठा के खड़े हुए। ओहो भाई साहब इतना लंबा छोड़ा हाथ, देख रहे हो ब्लेड ऑफ ओलंपिस घुसड़ दिया है। अगर चुपचाप से मुझे ऑम्फलस स्टोन लेके जाने देते ना इसी में फायदा था। अब खोजते रहो मैं कहां गया, मुझे भी नहीं दिख रहा मैं कहां हूं भाई। ये रहे क्रेटोस, तो वो जो ब्लू क्रिस्टल है ना उसी को जाके फोड़ना होगा। डरपोक बोल रहे हैं, बोल लो भाई उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जब मरेंगे ना, इतना मुझे याद है कि ये मरने वाले हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है। घूम के वापस मुझे ऊपर ही जाना होगा जहां वो ब्लू क्रिस्टल नहीं था बीच में। एक बार फिर से लगता है ना कि इनकी आंखों पे हीलियोस की रोशनी डालनी होगी ताकि ये अंधे हो जाए कुछ देर के लिए और मैं बीच में जा सकूं। अरे भागो, अरे भागो, फुंतरू लोग मरने वाले हैं। अगर अभी भागता नहीं ना मर जाता भाई, डेंजर। बीच में जाना होगा मुझे, ऊपर आके कोई फायदा नहीं है। बीच में जहां वो ब्लू क्रिस्टल है ना उसी को जाके फोड़ना है। अब बस खोजते रहो, अपने हाथ पे खोज रहे हैं। यहां मैं फुंतरू लोग की बैंड बजा रहा हूं, ये पता नहीं अपने हाथ पे क्या खोज रहे हैं। चलो अच्छा ही है, ये पहला ऐसा बॉस देख रहा हूं भाई जो बॉस कम और फुंतरू फाइट ज्यादा हो रही है। एक ये आया,
अब इसकी पहले बैंड बजानी होगी वरना ये मेरी बैंड बजा देगा। ब्लेड ऑफ ओलंपस इसी दिन के लिए चार्ज करके रखा था। रेटोस अंधाधुन ब्लेड ऑफ ओलंपस चलाते हैं। ये मेन वाले को मारना है भाई और दूसरे लोग को छोड़ दो। हाँ इसको लगता है मैं कंट्रोल करूंगा। हाँ 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 भाई ये सब अब फुंतरू की बैंड बजा दूंगा। हटो तुम लोग। अच्छा इसको खोलना है इसकी मदद से। और ये वाला फुंतरू तो भाई क्रोनोस की बॉडी से निकला था। लगता है दर्द हुआ भाई साहब को। तू भाई नीचे जा तेरा काम हो गया। अरे अरे मुझे कहाँ लेके जा रहा है? कुछ गड़बड़ी कर दी क्या मैंने? नहीं मुझे नहीं लग रहा भाई। ये तो नीचे चला जाएगा, मुझे ऊपर जाना है। वो मॉन्स्टर गया इनके पेट में। अरे मैं भी जाने वाला हूँ। क्रेटोस भी चले गए पेट के अंदर। और ये पता नहीं पीछे से क्या आ रहा है। जो भी आ रहा है मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। भागो यहां से। पेट के अंदर हूं मैं क्रोनोस के। उस मॉन्स्टर को भी खा गया यार जिसको मैंने मारा। ओ ये तो रहा। अब पेट के अंदर से निकलेंगे कैसे? फाड़ी के निकलना होगा। ये अंधेरा क्यों हो रहा है? मर गया क्या मैं? नहीं मरा तो नहीं हूं। पेट में दर्द हो गया ना। और खाओ। क्रेटोस अंदर से मुक्केबाजी कर रहे हैं। और खा लो भाई क्रेटोस को। खून निकल रहा है पेट से। और क्रेटोस का म्यूजिक स्टार्ट हो गया है। बैंड बजने वाली थी ये तो तय था। अंदर से ब्लेड ऑफ ओलंपस यूज कर रहे हैं। ये है ओम्फलस स्टोन। इन्हीं के पेट के अंदर था। मुझे याद आ गया ये ओम्फलस स्टोन क्या है। तो ज्यूस की माँ ने झूठ बोल के ये ओम्फलस स्टोन दे दिया था क्रोनोस को कि ये ज्यूस है। तो ये ज्यूस को खाने वाले थे क्रोनोस। चलो बैंड बजी गई है। अब इसी को लेके ऊपर जाना है। ओलंपियन गॉड्स को तो मार ही रहा है क्रेटोस भाई। टाइटंस को भी मारते जा रहा है। बहुत बढ़िया। जो मुझे चाहिए था वो तो मिल ही गया है। अब इनको मारना जरूरी है क्या? क्रेटोस छोड़ेगा नहीं, मारी के जाएगा। आगे कैसे जाऊं मैं? चलो क्रोनोस की भी बैंड बजी गई लेकिन अभी भी जिंदा है। मारने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओ भाई एक तो डरपोक बोला, ऊपर से बोला कि ऐसे आदमी जो अपने ही परिवार के लोगों को मारते हैं। तो अब तो मरना पड़ेगा क्रोनोस। L2R2 टाटा। अंदर से लावा निकल रहा है क्या? तो गाया के बेटे क्रोनोस को भी मार दिया भाई। मर गए ना। आई थिंक मरने ही वाले हैं। ये सब तो ठीक है लेकिन अब यहां से बाहर कैसे जाएंगे? जिस रास्ते से आए थे वहीं से जाना है क्या? या फिर कोई शॉर्टकट मिलेगा अपने को? टाइटन स्लेयर ट्रॉफी मिली है भाई। इस क्रिस्टल को फोड़ते हुए जाना है। रास्ता कितना कन्वीनियंस के हिसाब से आराम से मिल जाता है। अब इस स्टोन को लेके हेफेस्टस के पास जाना है। ये देखो अब ये हथियार बना के देंगे। You sent me to my death? No. Calm yourself, Kratos. I knew you were up to the challenge. I truly needed the Ophelos stone. You'll see. Achha. Make it quick, old man. Marne ke liye bheja tha, pata hai? Hephaestus ne. A weapon such as this can't be rushed. Chalo, ek achhi baat hai ki ek naya hathiyar milega. This will be worth the wait. इतनी तारीफ कर रहे हैं यार वेपन। दिखा भी दो अब। ये धोखा देने वाले, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा डाउट हो रहा है। ये आदमी सही नहीं है यार भाई। बिजली बिजली निकलने वाली है क्या इसके अंदर से? As I promised,
यार ये खतरनाक वेपन था। चलो एक टाइटन को मारना पड़ा लेकिन वेपन बड़ा मस्त मिल गया है। धोखेबाजी, मुझे लगा ही था। मुझे ही उल्टा झटका दे रहे हैं, इससे बहुत गंदी बात। ले लिए मजे हेफेस्टस। मारने का फुल ऑन प्लान बना के रखा था पैंडोरा को बचाने के लिए। उसने उल्टा झटका दे दिया हेफेस्टस ही को। बहुत बढ़िया, ऐसे ही छोड़ के चला जाता हूँ इनको। अच्छा नहीं नहीं, मार के जाना है। हो भाई साहब, चलो अच्छा ही है, धोखा देने वाले को क्रेटोस दूसरा मौका नहीं देता है। एक और ओलंपियन गॉड मरने वाले हैं। खत्म। माय ब्यूटीफुल पैंडोरा। पैंडोरा के लिए किया ये सब। हेफेस्टस ने बोला, चलो पैंडोरा के लिए किया तो सही आदमी था यार। अपनी बेटी की जैसा मानते हैं पैंडोरा को। जब भी पैंडोरा इंसान नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब पैंडोरा एक की है। तो अगर पैंडोरा बॉक्स को हम लोग खोलेंगे, इस वेपन का नाम है नेमेसिस वेप, तो पैंडोरा बॉक्स को जब खोलेंगे ना पैंडोरा की मदद से, तो पैंडोरा का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। और ये हेफेस्टस नहीं चाहते थे, इसलिए धोखा दिया क्रेटोस को ताकि क्रेटोस पैंडोरा को नहीं ढूंढ पाए। तो हेफेस्टस का भी रीजन सही था। ये हेफेस्टस को लग क्यों रहा है, ये जिंदा है क्या? ये हथियार आज से मेरा मेन हथियार है भाई। अब ब्लेड्स ऑफ एक्साइल की जगह मैं नेमेसिस विप को अपग्रेड करते रहूंगा। ऐसे आप लोग कमेंट करके बताना, मुझे ये पता नहीं बहुत ही कूल हथियार लग रहा है। अभी तक गॉड ऑफ वॉर 3 में जितने भी हथियार मिले ना मुझे, ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। आप लोग भी कमेंट करके अपना फेवरेट वेपन बताना, जो कि गॉड ऑफ वॉर 3 का, 4 या 1-2 का मत बता देना, 3 का बताना। नेमेसिस रेज, अच्छा शॉक लगेगा एनिमीज को। अब वो तो मुझे लग ही रहा था। थॉर वाली फीलिंग आ रही है मुझे। झटके दे सकता हूँ सबको मैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें चेन भी लगा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा ब्लेड्स ऑफ एक्साइल टाइप का है। और एक और मुझे अच्छा लगने का रीजन ये है ना कि आपने देखा होगा कि ये वॉल्वरिन की क्लॉज जैसा लग रहा है। अब मैं इसी को यूज करने वाला हूँ। तो अब ये अपर गार्डन्स में हम लोग इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, एक जो वहां आगे जाके एक्टिवेट नहीं हो रहा था, वो टूटा हुआ था। अब तो इसके अंदर से करंट निकल रहा है भाई, बहुत ही काम आया है हेफेस्टस। जाते आते इतना अच्छा वेपन दे दिया है ना, तो किसी लैबिरिंथ में कैद करके रखा हुआ है। और लैबिरिंथ मतलब क्या होता है, भूल भुलैया। तो आई थिंक नीचे ही है भूल भुलैया, जाना अपने को उधर ही है। पहले तो इसको एक्टिवेट करना होगा ताकि हम लोग उस साइड जा सके। ये मूर्ति की आंखें चमक रही है या बस ऐसी शोपीस का है, जो भी है आगे देख लेंगे भाई। इसके अंदर जाना है, हेल्थ तो पूरी ही है, क्या फायदा लेके। खुल जा सिमसिम, अगर मैं सर्कल दबाना थोड़ा सा बंद कर दे रहा हूं ना तो नीचे आ जाता है डोर। बड़ा सही बनाया था। ये सारे वेपन्स गायब क्यों कर दिए? गॉड ऑफ वॉर अभी जो आने वाला है रैग्नारॉक, उसमें इस टाइप के कोई ना कोई पुराने वेपन लेके आया यार क्रेटोस, मजा आ जाएगा। अब ये क्या है, ऊपर में 2 बॉक्सेस हैं, उससे कुछ ना कुछ खास सामान मिलेगा अपने को। एक साइड में भी है लेकिन जाना अपने को सीधे है। नोटबुक एंट्री, या कमीशन फ्रॉम द गॉड्स, दिस शैल बी माय ग्रेटेस्ट वर्क। पूरा यहाँ पे कांट करके रखा हुआ है, ठीक है ये समझ लो कि क्या है, ज्यूस ने बनवाया ये डिवाइस। चलो ठीक है, सब पढ़ लिया है, अब देखते हैं कि करना क्या है भाई, आगे जाए कैसे। ये तो मतलब जो सामने डोर्स हैं, एक में जाऊंगा तो दूसरे से बाहर आऊंगा, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन इस डोर से वहां ऊपर जाके क्या फायदा। देखो ये तो वही उसी जगह पे निकल गया मैं, कुछ तो काम है लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा क्या। देखते हैं, डोर लॉक है, हाँ सील ऑफ ज्यूस लगा हुआ है, इसको फोड़ना पड़ेगा आगे जाने के लिए। इसके अंदर जाके कोई फायदा है? अच्छा यहां से आया, चलो एटलीस्ट कुछ तो फायदा हुआ भाई। 3 यहां पे मैंने अभी तक मैजिक चेस्ट देखा है, जिसको खोलने से मेरा या तो हेल्थ मीटर या मैजिक मीटर या फिर येलो मीटर बढ़ जाएगा, तो उन तीनों को लेना पड़ेगा। यहाँ पे दिया इसीलिए, 2 तो पिंजरे के अंदर है, अब उसको नीचे कैसे लेके, ये क्या है? ओ हो,
फायर द बलिस्टा। अच्छा, हैंडल को घुमा भी सकते हैं और एक यहां पे एक और बटन भी है। अब मारेंगे तो वो सामने दरवाजा खुल जाना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। फायर करके देखते हैं। यार इसमें इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, मतलब इतना ज्यादा जो बना के रखा था। सामने रास्ता तो दिख रहा है, लेकिन यहां पे तीन चेस्ट हैं, इनको भी लेना जरूरी है। एक काम करते हैं, पहले ना सामने वाला रास्ता को चेक कर लेते हैं क्या है वहां पे, उसके बाद तो वापस आ ही सकते हैं, तो वापस आके ले लेंगे। इसमें थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मैजिक डोर है, इससे बलिस्टा को मुझे एक जगह से दूसरे जगह पे निकालने के काम आएगा, इसीलिए दिया था। मैं नीचे तो आ गया, ओ भाई ऊपर नहीं जा सकता। अरे यार मैजिक चेस्ट छूट गया भाई, ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा छोड़ो, कोई जरूरत, इतनी हेल्थ में भी अपन गेम पार कर देंगे। दिक्कत है लेकिन इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है। लैबिरिंथ में आ गए क्या हम लोग? ये लैबिरिंथ है, भूल भुलैया, यहीं पे पैंडोरा को शायद कैद करके रखा हुआ है। देख लो जाना कहां है। ये कुछ ज्यादा ही सही में भूल भुलैया, वहां जाना है उस डोर के पास, इस गार्डन को पार करते हुए, जो कि इतना आसान गार्डन नहीं होने वाला है जब इतना करके दिखाया। अच्छा, ये लोग बीमारी से मर रहे हैं, वही बीमारी जो फैली है क्रेटोस की वजह से। क्रेटोस ने जब हर्मीस को मार दिया था तो ये प्लेग फैल गया है। हेरा, ज्यूस की वाइफ, ये यहां क्या कर रही है? लास्ट टाइम इनको देखा था मैंने जब हरकुलिस को मारा था। काफी गुस्से में हेरा। You. I told him to kill you. I told him the day you were born to kill you. But he would not have it. My stupid husband took pity. And now look what you have wrought. Look at this. Look at it. They're dying because of you. Everything is dying because of you. The sun is gone. The ocean swallowed the land. Disease infects what remains. I am doing all I can to keep them alive. But you, your ruthless murdering of the gods has caused all of this. But your simple mind will never find a way out. I look forward to watching you die here as an old man. तो हेरा ने बोला है कि यहां से एक ओलंपियन गॉड तो निकल सकता है इस लैबिरिंथ से, लेकिन तुम्हारा सिंपल दिमाग यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। और यहां पे मुझे बूढ़ा होकर मरते हुए देखना चाहती है हेरा, क्योंकि यहां से निकल नहीं पाएगा क्रेटोस, लेकिन हम लोग निकलेंगे। तो जिस दिन क्रेटोस का जन्म हुआ था, हेरा ने ज्यूस को बोला कि मार दो क्रेटोस को, इससे पहले वो तुमको मार दे और हमारी गद्दी छीन ले। लेकिन ज्यूस को रहम आ गया और क्रेटोस को नहीं मारा था। और अब वही हेरा बोल रही थी कि देखो तुमने क्या किया। और अभी तो मतलब पूरा काम किया भी नहीं है क्रेटोस ने भाई, अभी तो ज्यूस को भी मारना बचा हुआ है। ये मैंने बोला नहीं, ये मेरा फेवरेट वेपन बन गया भाई, इसी को अपन अपग्रेड करते रहेंगे, क्या मस्त है। नहीं, कमेंट करके बताना मुझे ये वेपन कैसा लगा। नेमेसिस विप नाम है इसका, इसको अपग्रेड करते रहूंगा यार। इसको हम लोग लास्ट में यूज करेंगे ज्यूस के पास, अगर ऑप्शन रहा तो अपग्रेड किया जाए इसको। ये लेवल 1 पे होगा अभी, इसको पहले खोजना पड़ेगा। नेमेसिस विप नाम है ना, बो ऑफ अपोलो नहीं, क्लॉज ऑफ हेडिस नहीं, हेड ऑफ हेलियोस। अच्छा, हेड ऑफ हेलियोस को भी अपग्रेड कर सकते हैं। और भी वेपन्स की जगह है क्या? लेवल 2 पे चला गया, L1 स्क्वायर, डैमेज भी बढ़ चुका है वेपन का, इसको और अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग, लेवल 3 तक लेके जा सकते हैं। रेड ऑप्स है मेरे पास, लेवल 3, डैमेज और बढ़ गया है, चलो अच्छा ही है। लेवल 5 तक हम लोग किसी भी वेपन को लेके जा सकते हैं। ये लेवल 3 पे आ चुका है, लेवल 4 पे बस आने ही वाला है। एक दो फुंतरू लोग और मारूंगा ना, रेड ऑप्स मिलेंगे, लेवल 4 पे इसको ले जाऊंगा। अब तो ये और खतरनाक हो गया है, सारे अटैक्स मैंने दिखा दिए अभी क्या क्या अपग्रेड हुए हैं। चलो ठीक है, अब लैबिरिंथ से बाहर, ओके ऑप्शन मिल गया मुझे, लेवल 4 पे इसको ले ही जाते हैं।
अगर कोई बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे आया ना, उसकी खैर नहीं है। लेवल 4 खतरनाक, इसका डैमेज और बढ़ गया है। एलवन और ट्राइंगल से कुछ नया जलवा दिखाएगा। देखे भाई क्या जलवा दिखाने वाला है। ये क्या था जो भी था, बड़ा खतरनाक अटैक है। स्पीयर टाइप का कुछ मूव देते हैं नेमेसिस विप के साथ, पहले कर लेते हैं सेव, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां से निकलने का अभी तक मुझे रास्ता नहीं समझ में आया है, यहां से निकले कैसे। किसी तरह का क्लू तो दो, यहां से निकलना कैसे। इस ग्लास में हेरा वाइन पी रही थी ना, कुछ तो काम हो सकता है इसका, जब इतना स्पेशल तरीके से दिखा रहे हैं। ये देखो हेरास 40 अब प्राइस पोजिशन। अरे ये इसको यूज कर सकते हैं जब पूरी तरह से गेम खत्म कर देंगे। रास्ता तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है, इनको मारने के बाद आगे ही जाएंगे। बाकी अभी इतना सीधा रास्ता होने वाला है नहीं, क्योंकि हेरा ने बोला है कि ये इतना आसानी से यहाँ से निकल नहीं सकता। मैं, मेरा सिंपल दिमाग यहाँ पे काम नहीं आएगा। देखते भाई कितना सिंपल दिमाग है। ऐसे क्रेटोस ने बहुत सारे पजल सॉल्व किए हैं, एल1 और ट्राइंगल यूज करते इसके ऊपर, यहां से भी निकल ही जाएगा क्रेटोस। गॉड ऑफ थंडर बन गया हूं मैं, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है। बहुत ही सीधा रास्ता दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे और भी रास्ते हैं, कहीं रास्ते तो नहीं लगने वाले हैं मेरे। नीचे कौन आए जब ऊपर ही सारे काम हो जा रहे हैं। तो ये सब ना शील्ड पहने हुए आदमी थे, अगर दूसरा कोई वेपन यूज करते हैं ना, बहुत टाइम लगता है इन लोगों को मारने में। लॉक है उस साइड से, लॉक है उस साइड ही आना होगा। तो इस पूरे गार्डन को पार करके ऊपर जाना है, लेकिन अभी तो हम लोग नीचे हैं, तो अपने को मतलब किसी तरह की सीढ़ी लानी होगी ऊपर जाने के लिए। ये बंद हो गया। अब ये क्या है भाई, ये कुछ नया टाइप का है, अजीब है। अच्छा चिपकते भी हैं ये लोग, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा इस वेपन का यूज है ना, करंट देखो ऊपर ले जाओ, उसके बाद ऊपर जाके मारते रहो भाई, ये लोग ऊपर क्या ही कर लेंगे। देखा नीचे आया और बदमाशी चालू। तुम लोग नीचे आओ मत यार, ऊपर ही रहो ना, झटके लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। सफाया एक और बचा हुआ है, तू भी जा यार आगे, अभी बहुत काम है यहाँ भी, मतलब फाइटिंग से ज्यादा अभी दिमाग लगाना है इस मिशन में। और आज के एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है, आधे घंटे से ऊपर रहेगा, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ दिन हो गए हैं एपिसोड्स आए हुए। और इसके बाद ना एक दिन के बाद एकदम कंफर्म भाई, एक दिन या दो दिन के बाद हर नया एपिसोड आते रहेगा। ये क्या है, ब्रैम्बल है, इसको जला नहीं सकते हैं। ब्रैम्बल को हम लोग जला सकते थे तीर से, लेकिन ये वाला जलेगा नहीं, फिलहाल तो नहीं जलेगा ये। पर यहाँ पे कुछ तो करना है, क्योंकि इस पे पढ़ने का दिया है, और इसको बहुत ही मतलब ऐसे जगह पे रखा है ना, जिससे लग रहा है कि इसका कुछ तो काम है। मेरा वेपन भी काम नहीं आया भाई इस पे, छोड़ो हटाओ। लो एक और डोर बंद हो गया, बहुत बढ़िया, मतलब पीछे नहीं जा सकते हैं। फ्लोर इज द पैसेज ऑफ अ टेक्स्ट, दोज हू पोजेस द स्टोन ऑफ हाइपीरियन कैन। अच्छा हाइपीरियन, जिसके पास भी रहेगा यानी कि हाइपीरियन स्टोन, उसको असली रास्ता दिख सकता है। ये मूर्ति की आंख चमकी और ये हेरा का ग्लास भी चमक रहा है, ये है हाइपीरियन स्टोन, इसकी मदद से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। ये बटन पे खड़े होके हाइपीरियन स्टोन की मदद से हम लोग ओरिजिनल रास्ता देख सकते हैं कि कैसे जाना है यहाँ से बाहर। ये हरा हो गया यानी कि रास्ता दिख रहा है। ये सीढ़ी बन गई है क्या, अच्छा ये डोर बंद था ना, अब इसको खोल सकते हैं, इस साइड से बंद था, लेकिन अभी इसको खोल के क्या फायदा। तो चलो ठीक है, अभी फिलहाल यही दिख रहा है, सामने सीढ़ी दिख रही मुझे। अगर हाइपीरियन स्टोन नहीं होता तो ये सीढ़ी नहीं आती। देखो गायब हो गया ना सीढ़ी, द इफेक्ट। अच्छा इफेक्ट जितनी देर, कुछ देर के लिए इफेक्ट रहता है वो, जैसे मैं बटन पे खड़ा हुआ था ना, तो कुछ देर के लिए असर था, तो अगर उसके ऊपर कुछ ला के रख दूं मैं
तो असर हमेशा के लिए रहेगा। अच्छा, ब्रैम्बल से कवर वो एक पॉट टाइप का नहीं था, मतलब वाइन ग्लास जैसा बड़ा टाइप का नहीं था, उसको खींच के रख सकते हैं। तो वो ब्रैम्बल को हटाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा भाई। फिलहाल इस छोटी सीढ़ी को खींचने का ऑप्शन दे रहा है, इसको भी ले जाके बटन के ऊपर रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक ग्लास है और पानी भी दिख रहा है मुझे। द एंड ऑफ पाथ इज ब्लॉक्ड बाय, अच्छा वो वही वो ब्रैम्बल यार, वो अलाइव है, उसको जला नहीं सकते हैं। हेरा की वजह से अलाइव है, क्योंकि हेरा ये सबको कुछ कुछ चीज को जिंदा रख रही है। तो हेरा ने जिंदा रखा हुआ है, तो हेरा को मार देना चाहिए था। रास्ते में आ रही है क्रेटोस की। अच्छा, ये भी एक तरह का बटन है, इससे एक सीढ़ी नीचे आ जाएगी और गेट खुल जाएगा सामने का। लेकिन जैसे ही मैं हटूंगा, ये तो बंद हो गया यार, दौड़ के भी नहीं जा सकता, अंदर ही हेरा है। एक काम कर सकते हैं, इसको अगर पानी के पास रख दे तो सीढ़ी से होते हुए इस ग्लास में आ जाएगा पानी। मतलब ट्राई करने में क्या जा रहा है, चलो देख लेते हैं ट्राई करके। नहीं, ऐसा तो कुछ हो रहा नहीं, फिर भी मैं ट्राई करके देखूंगा भाई, एक बार ट्राई करने दो मुझे। पानी, अच्छा उल्टा रखना है, उल्टा रखना है, पानी हो रहा है, काम हो रहा है, इसको उल्टा करना है, इसको खींच के लाने दो मेरे को। सही सोचा था भाई, उल्टा करके। अच्छा, सीढ़ी से होते हुए पानी ग्लास में चला जाएगा और उसके वजन से ग्लास दब जाएगा और गेट खुल जाएगा। चलो ठीक है, सही सोचा था, भले ही तुक्का लगाया लेकिन फिट बैठ गया तुक्का। अरे वाह जियो, एक काम तो हो गया है, हेरा के पास जाना है उधर। क्रेटोस के पास दिमाग भी बहुत ज्यादा है, अंडरएस्टिमेट नहीं करने का क्रेटोस को। How dare you challenge us? You think you can just walk away? We aren't finished. रेटोस को बार बार मारने की कोशिश कर रही है। What have you done? What have you done to me? You coward. You destroy all you touch. पैंडोरा को गाली बक दी है हेरा ने। चलो, हेरा का भी टाटा हो गया है। अच्छा, वो ब्रैम्बल अब खत्म कर सकते हैं उसको, क्योंकि हेरा ही ने जिंदा रखा हुआ था ब्रैम्बल को। अब जो बची कुची चीज जिंदा थी हेरा की वजह से, वो भी मर जाएगी, वो ब्रैम्बल भी हट जाएगा, या फिर उसको जला सकते हैं हम लोग। अब थोड़ी जो फूल पत्ती यहाँ पे जिंदा थी वो भी खत्म। यार ये यहाँ पे रहने वाले लोगों की यार बुरी तरह की वाट लग गई है, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी, ओलंपियन गॉड्स की गलती है, और क्रेटोस बदला लेने के चक्कर में सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलो देखते हैं आगे ये इसकी एंडिंग क्या होगी। रास्ता भी क्लियर नहीं हुआ है, वो ब्रैम्बल खुल गया है वहां से। हाँ, अब इसको जला सकते हैं या ये अपने आप फट जाएगा। ग्लास आजाद हो गया। अच्छा, इसके अंदर भी पानी डालना है या फिर इसको खींच के लाना है, करना क्या है इसका? यहां तक पानी पहुंचाएंगे कैसे, इसको खींच नहीं सकते हैं। लेकिन इसको भी दबाने से कुछ ना कुछ होगा ही, देख लो क्या हो रहा है। एक और प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, ऊपर जाने में आसानी होगी, यानी कि इसके अंदर भी पानी लाके भरना होगा। अब इसके अंदर पानी भरने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, मतलब ये तो अच्छा खासा पजल सॉल्व करवा दिया भाई। ओहो, हेरा की बॉडी को उठाने का ऑप्शन दे रहा है, तो हेरा भी इस पजल को सॉल्व करने में मेरी मदद करेंगी, लेकिन कैसे? इसमें पानी भरा रहेगा, तो एक काम करते हैं ना, इस सीढ़ी को खींच के ले जाते हैं, ये आगे काम आएगी भाई पक्का। ये नीचे उतारने का रास्ता दिया ही है, और क्योंकि ये हेरा की बॉडी को उठाने का ऑप्शन दे रहा है, यानी उसको कुछ तो काम है। अब बस वही सोचना है कि क्या काम है। किसी बटन के ऊपर रखने के लिए दिया होगा जहां तक मुझे लग रहा है, या फिर किसी तरह का मैजिक यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो अच्छा, ओके ओके, इस बटन के ऊपर बॉडी रख के देखे क्या।
हाइपेरियन स्टोन हम लोग यूज कर सकते हैं असली रास्ता खोजने के लिए। ओके, हीरा की बॉडी को अगर मैं इस बटन के ऊपर रख दूं और इस लैडर को वहां पे रख दूं तो पानी इसके अंदर आ जाएगा। भाई चलो अपना काम बन गया, मैं समझ गया क्या करना है। हीरा की बॉडी को इस बटन पे रखना है और इस सीढ़ी को वहां पे रखना है जहां पे पानी गिर रहा है, तो पानी उस ग्लास में आ जाएगा। तो ये तो अच्छा खासा सिंपल ही था यार। मैं फालतू ही को उधर हीरा की बॉडी को ले गया था। चलो ठीक है, पहले इनको यहाँ पे फेंकने दो मुझे। अब इसको खींच के उधर लेके जाना होगा। मैंने नहीं सोचा था कि गॉड ऑफ वॉर में मुझे इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन लगाना पड़ रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे पजल आते रहना चाहिए ताकि फाइटिंग के साथ साथ दिमाग भी काम करते रहे आदमी का। इस सीढ़ी को यहाँ लगा देंगे तो पानी आ जाना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। सेम काम मैंने पीछे भी किया था। लो भाई एक और प्लेटफॉर्म खुल गया है, लेकिन अभी भी ऊपर जाने का रास्ता क्लियर नहीं हुआ है कि ऊपर जाएंगे कैसे। पूरा प्लेटफॉर्म बंद गया है, बस एक और बचा हुआ है। देख रहे हो ना, सामने से थोड़ा सा और बचा हुआ है और वो ओहो, ये ग्लास सामने आ गया है। अच्छा, इस सीढ़ी को वहां कनेक्ट करना है ले जाके मिसिंग सीढ़ी में, पानी आ जाएगा। अरे काम तो हो ही गया आई थिंक, मुझे जहां तक लग रहा है। अभी देख लेते हैं, इसको कनेक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। भाई हीरा की बॉडी को वहीं छोड़ के जाना है ना, हम मुझे नहीं लगता उसको कुछ करना है। ये दोनों सीढ़ी के बीच में अगर इसको रख देंगे तो तीनों कनेक्ट हो जानी चाहिए। आई होप, घुमाना होगा इसको। कनेक्ट हो गया भाई। अच्छा, इस ग्लास में पानी नहीं आएगा, हीरा की बॉडी को लाके रखना है, यही करना है आई थिंक। पता नहीं सही सोच रहा हो या नहीं, लेकिन अब यही करके देख लेते हैं। एक आखिरी यही बच गया है, यहां तक पानी नहीं आ सकता है। मुझे तो नहीं दिख रहा पानी लाने का तरीका, लेकिन हीरा की बॉडी को ग्लास में रख सकते हैं तो वजन ही चाहिए, जरूरी नहीं ये पानी ही रखे, बस उसमें वेट जाना चाहिए। फेंकने का ऑप्शन दे तो रहा है, रास्ता बन जाना चाहिए। आई होप बन जाए। हाँ बस हो तो गया, अब जा सकते हैं ना, पूरा तो बन ही गया है रास्ता। चलो भाई एक बार मैं बटन पे खड़ा हो जाता हूँ, बटन बंद मत होना, नहीं बंद होना चाहिए अब जहां तक मुझे लग रहा है। फिर भी इस लैडर को ले जाके ना रख देते बटन के ऊपर ताकि ये बंद नहीं हो मेरे जाने से पहले। चलो यहाँ का पजल सॉल्व हो गया, ये देखो बंद हो गया ना। अच्छा ही किया मैं लैडर लेते आया हूँ भाई। अब तो पहुंच ही जाएंगे आई होप। मतलब इस एपिसोड में मार कम हुआ है, स्टार्टिंग में मार बहुत ज्यादा किया था भाई मैंने, और उसके बाद फिर दिमाग लगाया, फिर क्रेटोस ने अच्छा खासा। और तो कुछ नहीं करना है, बस अब तो सिंपल ही रास्ता है, कुछ करने का नहीं है। और वो सीढ़ी से होके वो जो डोर था, जो डोर को स्टार्टिंग में दिखाया था, यानी कि पैंडोरा बस मिलने ही वाली है, और पैंडोरा के साथ साथ शायद ज्यूस भी मिल जाए। ज्यूस से फाइट हो सकती है आई थिंक। नेक्स्ट एपिसोड इसका लास्ट एपिसोड होगा जहां तक मुझे लग रहा है, बाकी तो हम लोग खेलेंगे तो पता चल ही जाएगा। हाइपेरियन स्टोन फोड़ दिया इसको क्रेटोस ने, कोई और रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा। चलो बढ़िया ही है, अब क्रेटोस के पीछे कोई नहीं आ पाएगा, हाइपेरियन स्टोन ही तोड़ दिया है। अच्छा मैं भी वापस नहीं जा सकता अब जो भी करना आगे जाके करना होगा। चले क्रेटोस, इंतजार किस बात का, मेन मंजिल पे हम लोग पहुंच ही गए ऑलमोस्ट। अब देखते हैं इसके अंदर पैंडोरा मिलती है या फिर इसके अंदर बैंड बजती है अपनी। गॉड ऑफ वॉर 3 रीमास्टर्ड मुझे बहुत पसंद आया भाई, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। लेकिन गॉड ऑफ वॉर 4 से एक चीज मिसिंग है, क्रेटोस के बेटे एट्रियस। तो क्रेटोस जब बात करते रहते हैं एट्रियस से या फिर एट्रियस को समझाते रहते हैं तो उसमें बहुत ही मजा आता है, और एट्रियस फाइट करने में भी साथ देता है। और अब तो यार गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक में अच्छा खासा बड़ा हो गया एट्रियस। चलो ठीक है, सेव कर लिया है,
रैग्नारोक में बहुत मजा आने वाला है, ये कंफर्म बात है। म्यूजिक अचानक से कुछ डार्क टर्न ले लिया म्यूजिक ने भाई। मैजिक चेस्ट इसके अंदर छुपा के रखा था एक। गॉर्गन आई, मेरी हेल्थ बढ़ जाएगी, हेल्थ मीटर बढ़ने वाला है। चलो अच्छा ही है, मैजिक मीटर और येलो मीटर नहीं बढ़ा है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी हेल्थ बढ़ गई। अब ये बिच्छू कहां से आने लगे यार, और भी हैं। इतने सारे बिच्छू, ये पक्का इसके अंदर पैंडोरा है, तभी इतने इतने बिच्छू रास्ते में छोड़ के रखे हुए हैं। सांप को भी भेज ही देते। चारों वेपन एक साथ यूज कर रहा हूं ये अच्छा सिस्टम बनाया है, चारों वेपन बैक टू बैक यूज करने में सही भी दिखता है। प्लेटफॉर्म है ना, उसे नीचे जाना होगा। सारे बहुत सारे चेस्ट मिल रहे हैं भाई, फिनिक्स फेदर भी मिल गया, मैजिक बढ़ जाएगा मेरा भाई। बहुत सारे चेस्ट मिल रहे हैं, यानी कि अब खत्म ही होने वाला है गेम। नहीं देख रहे हो, सब कुछ बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा ही कर रहे हैं भाई। हेल्थ और बढ़ा दो, अब मुझे नहीं लगता मेरी हेल्थ और बढ़ेगी, मैंने बहुत सारे चेस्ट छोड़े हैं भाई इस गेम में, अब इतनी हेल्थ में मारना पड़ेगा ज़ियूस को और कुछ नहीं। तो चलो भाई इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबा लेना। पता नहीं यहाँ से मैं कहाँ नीचे जा रहा हूँ, मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ खतरनाक होने वाला है। तो चलो मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।